गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम सुदीक्षा सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा फन होने वाला है पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया तो आई एम अगेन हियर विद ही न्यू वीडियो जो कि होने वाला है रेटिंग टॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस ठीक है सो so, जो लाइक like, बॉलीवुड के थे जिनसे मैं मिली थी तो उनके बारे में तो मैं बता चुकी हूँ अब टॉलीवुड टॉलीवुड मतलब मैं साउथ इंडियन के नहीं करने वाली हूँ ओनली बंगाली जो होते हैं उनके बारे में करने वाली हूँ इस वीडियो में बिकॉज अगर दोनों मिक्स कर दूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो तो इस वाले में बंगाली एक्टर एंड एक्ट्रेस के बारे में मैं बताने वाली हूँ वाइल डूइंग दिस मेकअप तो आप लोगों को प्रॉपर यू नो एक लुक भी मिल जाएगा करने के लिए एंड अगेन लाइक फ़न वीडियो भी हो जाएगा है ना मैंने ऐसे कुछ पहले ट्राई नहीं किया है तो अगर गलती हो जाए तो माफ करते ना अभी हम ज़्यादा बकबक नहीं करते लेट्स सो गाइज आई एल बी डूइंग माई मेकअप वाई स्पीकिंग टू यू गाइज एंड पहले मैं मेरा फेस को जो है प्रेप कर लूँगी उसके लिए मैं यूज़ करी गुड वाइब्स का ये टोनर ये अभी मैं रिव्यू परपज़ के लिए लगा रही हूँ आई विल भी शेयरिंग द रिव्यू वेरी वेरी सोन मैं बहुत कम अमाउंट लगाती हूँ एंड आई विल अप्लाइड यू ऑल ओबर ऐसे करके ठीक है सो द फर्स्ट सेलिब्रिटी आई मेट फ्रॉम टॉलीवुड इज़ बोनी सेन गुप्ता ठीक है सो मैं उनके सेट पे थी उनका जो मूवी था लव स्टोरी अभी तक आई गेस रिलीज हो गया है बट आ, उनके जो मूवी थे लव स्टोरी उन उसमें मैं थी लाइक मैं जब इनिशियल डेज में एक्टिंग में घुसी थी नया करियर पे तब मुझे लाइक एक छोटू सा एकदम गाने पे होता है ना कोई लोग इधर से उधर जा रहा है उधर से इधर आ रहा है तो उसी मूवी का एक गाना था चुप्पी चुप्पी आई गेस आई डोंट नो मैं लिंक दे दूँगी और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी तो उस सॉन्ग के लिए बहुत सारी आर्टिस्ट की जरूरत थी जूनियर आर्टिस्ट तो मैं भी गई थी वहाँ पे रितिका सेन के साथ हमारा छोटू सा एक सीन था तो उसके लिए गई थी एंड आई मेड बोनी सेन गुप्ता देर रितिका सेन की बात बाद में करते हैं बट फर्स्ट फर्स्ट सेन की बात करते हैं सो so, मैं लाइक like, हमारा सीन खत्म हुआ ठीक है तब मैं ना लाइक like, गई वहाँ पर एंड मैंने ऐसी नहीं हूँ कि मैं किसी से भी फ़ोटो के लिए अप्रोच कर लूँगी मैं ऐसे टाइप की नहीं हूँ तो मेरी मम्मी भी थी वहाँ ऑफ कोर्स सो मम्मी ने बोला कि जाना फ़ोटो ले ले कुछ भी नहीं होगा गो बोल के तो मुझे ना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था एंड जब मैं गई तो उनका जो उनके साथ जो उनका शायद मैनेजर होगा आई डोंट नो उन्होंने मुझे रोक लिया ठीक है सो वही चीज़ उन्होंने देखी एंड उन्होंने बोला कि आ जाओ ऐसे करके आने दो ऐसे बोला तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा सो यस दैट वॉज द इंटरेक्शन विद बोनी सेन गुप्ता अभी मैं यूज़ करूँगी इनसाइट का प्राइमर ये प्राइमर मुझे बहुत पसंद है दिस इज़ द ओनली प्राइमर आई हैव ओ माई गॉड एंड मुझे लगता है अब मुझे दूसरे प्राइमर्स भी यूज़ करने चाहिए तो so, यस yes, एंड उन्होंने मुझे फ़ोटो क्लिक किया हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किया मैं और मेरी एक फ्रेंड थी वो दोनों वो भी थे एंड मैं भी थी एंड मेरे मॉम भी थी तो हम सब लोगों ने वहाँ पर फ़ोटो क्लिक किया मुझे पसंद नहीं है किसी से पूछना फ़ोटो के लिए बट इट्स ओके मैंने पूछ लिया हिम्मत करके मेरा कंसीलर कहा गया oh God, ऐसा होता है मैं ना बात करते करते कभी कुछ नहीं कर सकती हूँ और उसके बाद फ़ोटो लेने के बाद लाइक <coughs> like, उन्होंने पोज दिया हमारे फ़ोटो के लिए बहुत अच्छी तरीके से एंड ज़्यादा बात नहीं किया मैंने जस्ट फॉर फोटो मैंने कुछ ज़्यादा ही कंसीलर लगा लिया

मैं ब्लेंड कर लूँ उसके बाद बात करते हैं एंड मैं बोनी सेन गुप्ता को दूंगी 9.5 आउट ऑफ 10 एंड मैंने पिक्चर्स ऑलरेडी लगा दिए होंगे यहाँ पे तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माय ग्लैम का पोज वाला पनाना पाउडर ये एच है सो so, सेकेंड uh, जो मैं सेलिब्रिटी मिली टॉलीवुड से वो थी रितिका सेन सो मैं उनसे भी सेम बोनी सेन गुप्ता के सेट पे ही मिली थी एंड उनके साथ ही एक्चुअल में मेरा यू नो लाइक सीन था हम लोगों का बट लाइक uh, like, उनके साथ उतना ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाई बात ही नहीं कर पाई लाइक like, uh, जब भी मैं बात करने जाती थी एक लड़की थी वहाँ पे मतलब उनके साथ वाली जो उनकी बेस्ट फ्रेंड बनी हुई थी उनसे वो बात करती रहती थी एंड हमें बात करने का कोई वेलकमिंग लाइक नेचर ही नहीं लगा मुझे मैं oh गॉड यहाँ पे क्या घुस गया नहीं लगा मुझे मुझे लगा कि मैं उनके साथ भी फ़ोटो खिंचवा लूँ बट वैसा नेचर ही मतलब वेलकमिंग नेचर ही नहीं लगा मुझे तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं एंड आई फेल्ट रियली वेरी ऑकवर्ड सो यस नसवाई मैंने नहीं पूछा उनसे एंड आई विल रेट हर एट आउट ऑफ टेन बिकॉज तो मैं नेक्स्ट लगा रही हूँ गार्नियर का बीबी क्रीम सो नेक्स्ट जो है मैं मिली थी यहाँ पे लगा लेती हूँ पहले नेक्स्ट जो मैं मिली थी वो थे राज चक्रवर्ती जी हाँ मुझे वो बहुत पसंद है मिलने के बाद तो और भी ज़्यादा क्यों बोलती हूँ मैं हम लोगों का ना वैसे ही मैं इनिशियल डेज में थी मैंने बोला था मैं ये नहीं लगाऊंगी फिर मैंने डिसाइड किया लगा लेती हूँ इनिशियल डेज़ पे जब मैं शूट्स पे जाती थी तो मुझे जूनियर आर्टिस्ट का ही मिलता था ठीक है सबको वैसा ही मिलता है तो, तो ना क्या हुआ ब्लेंडर कहाँ गया तो ना क्या हुआ कि हम लोग जहाँ पे शूट कर रहे थे ना वहाँ से होटल जो है बहुत दूर था एंड स्नोफॉल के बीच में कैन यू इमेजिन तो आई डोंट रिमेम्बर वो कौन सा वाला शूट था बट हम लोगों ने शूट किया मेरे इंस्टा पे भी है ये सारे ओके okay? और शूट किया चित्र पे दार्जिलिंग के वहाँ पे पड़ता है एंड शूट करने के बाद uh, रात को हम लोग जा रहे थे होटल एंड बहुत ज़्यादा ठंडी थी हमें बताया नहीं गया था कि एक दिन वहाँ पे रुकना है एंड नेक्स्ट डे शूट करके वापस घर आना है तो मैंने तो नॉर्मली अपने कपड़े पहने हुए थे एंड जैकेट भी पहना हुआ था लेकिन फिर भी उससे भी नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे तो अम, मेरी एक दोस्त भी गई थी एंड वो रोने लग गई ठीक है वो बोलने लग गई कि नहीं मुझे मेरी मॉम जो है मैं उनसे झूठ बोल के आई हूँ कि मैं रात तक आ जाऊँगी सो so, uh, मैं घूमने गई हूँ ऐसे बोल के तो मुझे जाना होगा सर प्लीज़ बोल के uh, राज चक्रवर्ती से वो रिक्वेस्ट करने लग गई और मैं भी थी तो मैं किसी को भी रोते हुए देखती हूँ ना मुझे uh. भी रोना आ जाता है सो so, जो है ना कि मैं भी रोने लग गई सर प्लीज़ इसको जाने तो इसके साथ मैं भी जाऊंगी ऐसे बोल के ही सेट या उन्होंने शायद हमें बापू बोला हाँ जा सकते हो किसने रोका है हम लोग मतलब मैं गाड़ी करवा देता हूँ चले जाओ ऐसे बोल के लाइक या या मतलब कोई भी वो नहीं है बोलकर सो so, ही वॉज़ सो so स्वीट उन्होंने बोला कि मैं लाइक like, गाड़ी मंगवा रहा हूँ तो तुम इसको लेके घर जाओ ठीक है तो कल सुबह गाड़ी भिजवा दूँगा फिर से वापस आ जाना सिंपल आप लोगों को किसने रोका किसने नहीं जाओ बोला ऐसे बोल के बहुत स्वीटली बात किया बहुत स्वीटली एंड बिल्कुल भी रूड नहीं थे वो उन्होंने स्पेशली हम लोगों के लिए गाड़ी मंगवाई एंड जब तक गाड़ी नहीं आई थी तब तक उन्होंने हीटर वाले रूम पे हम लोगों को रखा आई एम यूजिंग कॉन्टोर हाई लाइटर हाईलाइटर एंड ब्लस बाई माइक लैम ये भी मुझे प्यार में आया था सो so, उन्होंने बहुत ही प्यार से हम लोगों को रखा एंड जब तक गाड़ी नहीं आ जाता तब तक यू नो ज़्यादा लगा लिया मैंने टेक केयर किया खाना भिजवाया रूम पे एंड येस डैट वॉज सो स्वीट जेस्चर सो आई विल रेट हिम हंड्रेड आउट ऑफ टेम बिकॉज मैंने इतना डाउन टू अर्थ पर्सन अपने लाइफ में नहीं देखा है बहुत स्वीट है वो पिक्चर मैंने क्लिक नहीं करवाया ऑबियसली आई वॉज़ क्राइंग एंड बिकॉज मेरी दोस्त रो रही थी तो मुझे भी रोना आ गया मैं अपने वेस्ट बेंगाल के लोगों को रेटिंग कर रेट कर रही हूँ तो मैं अपने Uh, मतलब स्टेट के सीएम को कैसे भूल सकती हूँ सी इज़ सो स्वीट लाइक मेरे साथ तो एटलीस्ट सो so, क्या हुआ ना कि मैं स्कूल में थी एंड मैं जब स्कूल पढ़ती थी तो लाइक आई डोंट नो कब शायद मैं क्लास सेवन या फिर एट में होंगी तो ना मेरे सर ने बोला कि जल्दी जल्दी ऑफिस में आ जाओ हम लोगों को चार पांच लोगों को बुला लिया ठीक है तो हम लोग गए एंड ही सेट कि यू नो टाइडी दिखो थोड़ा सा एंड हम लोगों ने फिर से अपना हेयर जो है खोल के कोम किया उसके बाद उन्होंने कहीं पर लेके गया हम लोगों को ठीक है तो ना क्या हुआ कि रोड में लेके गए वो हमें हाँ एंड मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है वहाँ पे तो बोला कि गाड़ी में आएंगी उनको लाइक uh, like, खदाब पहना देना तो um, मुझे उस टाइम पे भी नहीं पता था कि कौन आ रहा है कौन किसको हमें हाँ वेलकम करना है ठीक है तो आई वेंट विथ माई लाइक टीचर्स एंड एवरी वन एंड मैंने खदा उनको लगा दिया खदा को क्या बोलते आई डोंट नो तो रेस्पेक्ट के साथ उन्हें वेलकम बोल के लगा दिया एंड वो कार में ही थी एंड उन्होंने मुझे लिटरली ऐसे किया एंड कहा कि सो क्यूट आर एग्जैक्ट सेम वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा तब क्योंकि इतने बड़े इंसान से कॉम्प्लीमेंट लेना इज़ अ बिग थिंग एंड मैं बहुत छोटी थी तब फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने बोला थैंक यू मैम और उसके बाद ना मुझे तब भी नहीं पता था कि वो सी एम ममता बनर्जी है बट जब मैं स्कूल आई वापस एंड सर ने मेरा एक्सपीरियंस पूछा अब प्रिंसिपल सर ने तो मैंने बताया उनको एंड ही आस्ट में Do you know who is she? I said no, sir, and he said she is Mamta Oh my God, <laughs> that was an embarrassing moment. I <laughs> CM So yes, uh, she was so sweet and polite to me. So I will rate her ten out of ten, obviously. सो गाइस नेक्स्ट जो है मैं सीरियल्स में से बताती हूँ सो एक शो था मैंने पिछले वाले वीडियो में जो श्रुति एंड आरुषि हांडा का शो बताया था दैट सेम शो वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगी देख लेना सेम शो में वो भी आए थे एज अ जज उन लोगों के पैनल में ही थे सो सब शो खत्म हो गया है ना शॉर्ट करके बताती हूँ सब शो खत्म हो गया उसके बाद सब लोग फोटोज़ क्लिक करवा रहे थे ही लिटरली केम एंड यू नो मैंने पूछा उनसे कि फ़ोटो क्लिक करवानी है तो उन्होंने डायरेक्ट यस बोला एंड मैंने उन लोग उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाई ही सो स्वीट दैट टाइम मुझे वो कौन है मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं बेंगली मूवीज़ देखती हूँ सीरियल्स नहीं देखती हूँ एंड बट मैंने उनको देखा था ठीक है स्टार जलसा के पेज पे क्योंकि मैं स्टार जलसा को फॉलो करती हूँ बिकॉज uh, उन्होंने मुझे लाइक like, फोटो क्लिक किया एंड मैंने बोला कि यू आर वेरी हैंडसम ही सेट थैंक यू तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ना कि एम योर बिग फैन मैं उनको जानती भी नहीं थी तो Uh, लेकिन मुझे पता था कि बंगाली सीरियल से कुछ कोई आ रहे हैं एज अ जज एंड उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया उन्होंने भी फोटो क्लिक किया था बिकॉज़ आई एम शॉर्टर इन हाइट तो ऐसे करने में बहुत मुश्किल हो रहा था एंड उन्होंने भी किया था वो वाला फ़ोटो नहीं है मेरे पास जो मैंने क्लिक किया वो वाला है बिकॉज वो मैंने एफ वी पे अपलोड किया था तो ही वॉज़ वेरी वेरी पोलाइट एंड स्वीट आई विल रेट हम टेन आउट ऑफ टेन आई रियली लाइक हिम दैट सो आई फॉलो हिम अभी भी यस नेक्स्ट आई मेट इज विध सीन बनर्जी ही इज ऑल्सो बंगॉली सीरियल सीरियल में एक्टर तो आई मेट हिम मेरा वहाँ पे ना एक डॉक्टर का रोल था बिकॉज वो सीरियल ही डॉक्टर बेस्ड था तो मैं डॉक्टर बनी थी वहाँ पे एंड उनके सारे जो क्रू है ना मतलब टीम है जो जो भी सीरियल्स में भी है उनके एक्ट्रेस उनके जो विलेन होते हैं वो सारे वहाँ पे थे एंड सारे लोगों के साथ मेरा सीन था तो मुझे बहुत मज़ा भी आया एंड यस आई रियली लाइक हिम यहाँ पर मैं फोटो भी दिखा दूँगी वो भी बहुत ज़्यादा पोलाइट थे विथ मी एंड मैंने बात किया उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाई बहुत ज़्यादा धूप थी फिर भी ही डिड नॉट रिफ्यूज टू तो क्लिक अ फोटो एंड सब लोग आ गए मैंने एक बार फोटो क्लिक करवाई एंड सब लोग आ गए फोटो क्लिक करवाने के लिए नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस ऑरेंजिस ग्लिटर वाला हाथ से यूज़ करती हूँ सब लोग आ गए मैंने फोटो क्लिक करवाया मैंने उनको भी वही कम्प्लीमेंट किया कि यू आर वेरी हैंड्स मैनी से थैंक यू एंड यस दैट इट इज़ इट दैट्स इट उनके साथ एक्सपीरियंस इतना ही था मेरा एंड आई विल रेट हिम नाइन आउट ऑफ टेन क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आया वन मार्क्स बिकॉज उतना ज़्यादा कन्वर्सेशन हम लोगों का नहीं हो पाया इसके लिए सो यस यूज दिस माई ग्राम का लिपस्टिक दिस इज इन द शेड लिक्विड वेलवेट मैट लिपस्टिक आई डोंट नो द शेड यही है या फिर नहीं वी एम जीरो टू सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू गैस लाइक दिस वीडियो एंड ये लुक कैसा लगा ज़रूर बताना मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया है कि मेकअप करते करते बात करना बहुत ज़्यादा लाइक like, हौच पौच हो जाता है मुझे पता चला आज एंड यस आई इंजॉयड अ लॉट एंड नेक्स्ट में मतलब साउथ इंडियन एक्टर एंड एक्ट्रेस को रेट करो या फिर ना करो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट द वीडियो बिकॉज मैं साउथ इंडियन की काफ़ी सारे यू नो एक्टर एंड एक्ट्रेस से मिल चुकी हूँ थ्रू द शूट्स एंड ऑल जो मैं करती हूँ या दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड जरूर सब्सक्राइब करके जाना है ऐसे ही बहुत सारे फन वीडियोस के लिए आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय